नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुरीली आवाज के जादूगर मेलोडी किंग, इंडियन प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज साहब के एक ऐसे भोजपुरी गीत की, जिस गीत को हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब ने बहुत ही अपनी दर्द भरी आवाज में अपनी आवाज दी है। यूं तो दोस्तों मोहम्मद अजीज साहब ने इतने सारे भोजपुरी गीत गाए हैं कि एक एक करके बताना बहुत ही मुश्किल है। हर तरह के भोजपुरी गीत मोहम्मद अजीज साहब ने गाए हैं, आप लोगों को पता ही है। चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग हो या भजन सॉन्ग हो, हर तरह के भोजपुरी गीत मोहम्मद अजीज साहब ने गाए हैं, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों आज हम लोग हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब के एक ऐसे सैड सॉन्ग के बारे में बात करने वाले हैं, जिस गीत को बहुत ही अपनी दर्द भरी आवाज में मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी आवाज दी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को भोजपुरी फिल्म ई कैसन प्रथा याद ही होगा, और इस फिल्म में गीत थी, गीत के बोल हैं ई कैसन संसार। और इस गीत को बहुत ही अपनी दर्द भरी आवाज में मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी आवाज दी है, और इस फिल्म का संगीत दीपक पांड्या और गुड्डू पाठक जी ने दिया है। और यह गीत काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई थी, और मेरे ख्याल से दोस्तों यह गीत जो है वो आप लोगों ने सुने ही होंगे। क्या अजीज साहब ने गाया था, अगर आप सुनेंगे तो बस सुनते ही रह जाएंगे। तो आइए एक झलक इस गीत की तरह। हे मालिक ई कैसन संसार हे मालिक। तो यही भोजपुरी गीत है दोस्तों, जिसे बहुत ही अपनी दर्द भरी आवाज में मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी आवाज दी है, और यह गीत काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हुई थी। अगर दोस्तों आप लोगों ने यह गीत नहीं सुने हैं तो जरूर सुनिएगा, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ये गीत जो है वो फुल जरूर सुनिएगा। ये गीत मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मुझे पूरा उम्मीद है ये भोजपुरी गीत जो है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। यूं तो दोस्तों मोहम्मद अजीज साहब ने इतने सारे भोजपुरी गीत गाए हैं कि एक एक करके बताना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी आइए मोहम्मद अजीज साहब के कुछ हिट भोजपुरी गीतों के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद अजीज साहब ने भोजपुरी भैया फिल्म में गीत गाया था, गीत के बोल हैं लड़के जहां किसान। जी हाँ दोस्तों, ये गीत भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी, और इस गीत के साथ ही आप लोगों को प्यार करके भुला दहिले फिल्म का गीत याद ही होगा, गीत के बोल हैं मितवा मोरे साथी। इस गीत को भी बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है, और बहुत अपनी दर्द भरी आवाज़ में मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी आवाज़ दी है। और इस गीत के साथ ही आप लोगों को चंदा फिल्म का गीत तो याद ही होगा, गीत के बोल हैं बबुआ हो ए सुगना। इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अजीज साहब और अनुराधा पंडवाल जी की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी है। यूं तो दोस्तों मोहम्मद अजीज साहब और अनुराधा पंडवाल जी की जोड़ी ने भोजपुरी में भी कई ऐसे फिल्में हैं जिनमें अपनी आवाज़ दी है, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और इन फिल्मों के साथ ही दोस्तों विजय बिहारी माफिया, गंगा साथ हमार तुहार, लाल चुनरिया वाली, इसके साथ ही घूंघटा हटा के, भाई होके ताब, भरत न्यास जैसे फिल्मों में भी मोहम्मद अजीज साहब ने बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में अपनी आवाज़ दी है। और आप लोगों को फिल्म जिया तानी हम तोहरे आस में याद ही होगा, इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग मोहम्मद अजीज साहब ने ही गाया था, और इसके साथ ही एक और गीत गाई थी, गीत के बोल हैं तोहरा चाहत में दिल बेकरार हो जाई। और इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अजीज साहब और साधना सरगम जी की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी है। यूं तो दोस्तों मोहम्मद अजीज साहब और साधना सरगम जी की जोड़ी ने हिंदी में से बहुत सारे फिल्में हैं जिनमें एक साथ काम किए हैं, इसके साथ ही भोजपुरी में भी कई ऐसे फिल्में हैं जिनमें एक साथ काम किए हैं। और इन फिल्मों के साथ ही दोस्तों आप लोगों को पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत तो याद ही होगा, गीत के बोल हैं चल जाइब कल दूर तू हमसे सात समंदर पार। और इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अजीज साहब और उदित नारायण साहब की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी है, और यह गीत भोजपुरी में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी, और मेरे ख्याल से ये गीत जो है वो आप लोगों ने सुने ही होंगे। यूं तो दोस्तों मोहम्मद अजीज साहब और उदित नारायण साहब की जोड़ी ने हिंदी फिल्मों में तो धूम मचाया ही है, साथ में भोजपुरी में भी कई ऐसे फिल्में हैं जिनमें काम किए हैं। और इन फिल्मों के साथ ही दोस्तों और ऐसे कई फिल्में हैं जिनमें मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी आवाज़ दी है।
आप लोगों को सीता, घर का मंदिर, गंगा मैया तो होई चुनरिया चढ़ाबो, सजना साथ निभाई, निरुआ अनाड़ी, फूल बनल अंगार जैसे फिल्में तो याद ही होगा। और इन फिल्मों में भी मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी आवाज़ दी है। और इन फिल्मों के साथ ही दोस्तों और ऐसे बहुत सारे भोजपुरी फिल्में हैं जिनमें मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी आवाज़ दी है। आप लोगों को हमके दारू नहीं मेहरारू चाही, गुरकी पतर की रे, मोर करजा के टुकड़ा, हम प्यार करी ले तोहरा से, और इसके साथ और उससे बहुत सारे भोजपुरी फिल्में हैं जो एक एक करके बताना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, कबले अहिया सजनुआ हमार, ये रिश्ता अनमोल बा, बी डी ओ साहब, और गंगा मैया भर दे गोदिया हमार, महामाया, और इतने सारे दोस्तों भोजपुरी फिल्में हैं कि मैं आप लोगों को एक एक करके तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ और आगे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ। तो आप लोगों को ये भोजपुरी गीत जो है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा उम्मीद है ये भोजपुरी गीत जो है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और ये गीत अगर आप फुल सुनना चाहेंगे तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ये गीत जो है वो फुल जो है वो ज़रूर सुनिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है वीडियो जो है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज हम लोगों ने बात की हमारे हर दिल अजीज़ मोहम्मद अजीज साहब की एक बहुत ही दर्द भरे गीत की। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।